हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर 11th क्लास। ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? 11th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, तो पहले समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, अब जैसा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, आपसे कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। आप इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन और दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट वन और प्लस माइनस वन। ठीक है, बट अगर हम आपसे कहें जी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कीजिए, इसके बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा। तो बच्चे कोशिश करेंगे जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू रूट माइनस वन। ये क्या चीज है, रूट माइनस वन क्या होता है? रूट माइनस वन कोई रियल नंबर नहीं होता। ये रियल सॉल्यूशन है आपके पास में, यह है रियल सॉल्यूशन और ये आपके पास इमेजिनरी सॉल्यूशन है। अब यहां हम इस पर बात करेंगे कि रूट माइनस वन क्या होता है, यहीं से शुरुआत होती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब नंबर सिस्टम को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, रियल नंबर तक आपने किया है 9th-10th क्लास में और ये 11th-12th में भी है, रियल नंबर तो चलता रहेगा मगर उसको भी थोड़ा आगे जाना है आपको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचेंगे हम। ठीक है, तो यहां शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। रूट माइनस वन को हमने एक स्पेशल नाम दिया है यहां पर, आई, आई फोर होता है आयोटा। ठीक है, आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होता है। ठीक है, और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म की होती है, इसको जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस फॉर्म में होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहां ये वाला इसका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ओके, इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स इस पे बेस करेंगे, आई पर बेस। ठीक है, आई की जब बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, बड़ी पावर्स में वैल्यू आएंगी, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब क्या है, रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर क्या होगा तुम्हारे पास, यू हैव आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो आई रेस्ट पावर फोर क्या होगा, प्लस वन। ठीक है, इट मीन्स अगर आपके पास आई की पावर फोर के मल्टीपल में है, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा प्लस वन। ठीक है, चलो इसको जनरलाइज कर देते हैं हम। अगर आई की पावर आपके पास 2n है, ठीक है, तो इसके लिए प्लस वन होगी अगर n आपके पास में इवन नंबर है। n आपके पास इवन नंबर, इसी की वैल्यू आपकी माइनस वन होगी इफ n ऑड नंबर है। ठीक है, यानी आई पावर इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, यहां 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, तो प्लस वन वैल्यू मिलेगी, और ऑड का मतलब 1, 3, तो वन रखेंगे तो आई पावर 2 मिलेगा, 3 से 6 मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यू मिलेंगी वो माइनस वन। ठीक है, बट अगर ये टर्म 2 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है, बस 2 से डिविजिबल नहीं है आई की पावर, तो इसका जो आंसर है आपका वो आई की फॉर्म में आएगा, दैट इज प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉब्लम लिखता हूं आपके लिए जो सॉल्व करके बताऊंगा, इजी ट्रिक में बिल्कुल, है ना, कैसे उसकी वैल्यू निकलेगी। उसके बाद आई को और ज्यादा समझने के लिए हमारे पास ये दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है, आई की 5 टर्म मैंने आपको लिखी है, थोड़ी बड़ी पावर में, इससे भी बड़ी पावर हो सकती है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम यहां लिखी है,
समेशन आई केवल 1 से लेकर 13 तक है, आई रेज टू पावर एन प्लस आई रेज टू पावर एन प्लस 1, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो शुरुआत इससे करते हैं, आई रेज टू 49 है, आपको बताया था मैंने अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो इसकी वैल्यू प्लस और माइनस आई की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, इसमें से आई को हम अलग कर लेते हैं, तो इसको लिख लें आप आई रेज टू पावर 1 इंटू आई रेज टू पावर 48। ठीक है, ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, 68 ये मल्टीपल में नहीं है, 1 इंटू आई रेज टू पावर 88 प्लस ये 2 के मल्टीपल में, कुछ नहीं करना आपको, ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म में है, कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था, अब लिखो इसको 2 इंटू 24 क्या होगा, 48 को लिखेंगे 2 इंटू 24 आई रेज टू पावर 2 इंटू 34 आई इंटू आई रेज टू पावर 2 इंटू 44 आई रेज टू पावर 2 इंटू 55 प्लस आई रेज टू पावर 2 इंटू 501। ओके, अब देखिए आपको बोला था 2 इंटू, अगर ये इवन नंबर है तो वैल्यू मिलेगी इसकी प्लस 1। ओके, अगर ऑड है यहां पर तो वैल्यू होगी माइनस 1, तो क्या वैल्यू इसकी प्लस 1, तो आई इंटू 1 यहां भी यही मिलेगा। ठीक है, प्लस 1 प्लस आई इंटू 2 इंटू 44, देखो इवन नंबर है, प्लस 1 वैल्यू इसकी, यहां ऑड है देखो तो वैल्यू क्या मिलेगी इसकी माइनस 1। ओके, यहां भी ऑड है तो वैल्यू मिलेगी माइनस 1। ठीक है, तो आई इंटू 1 प्लस 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1। अब देखो आई प्लस आई 2i, ठीक है, 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 आंसर यहां से मिलेगा आपका, तो 2i माइनस 1 करेक्ट। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 13 आई रेज टू पावर n प्लस आई रेज टू पावर n प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब देखिए इसके अंदर n की वैल्यू आप 1 से लेकर 30 तक पुट करेंगे और बीच में आप प्लस का साइन लगाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो इसमें कुछ कॉमन है, आई रेज पावर एन कॉमन है, वो आप कॉमन ले लो, अंदर क्या मिलेगा आपको, यहां से 1 और यहां से आई। ठीक है, अभी इसमें एन नहीं है इस पार्ट में, तो इस पार्ट को हम बाहर ले सकते हैं 1 प्लस आई, और इस पर समेशन मिल जाएगा आपको आई रेज टू पावर एन और एन की वैल्यू 1 टू 13। ओके, अब इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं हम, 1 प्लस आई, एन केवल 1 पुट करेंगे इसमें तो आई मिलेगा, 2 पुट करेंगे आई स्क्वायर आई क्यूब आई पावर 4 अप टू आई की पावर 13 तक जाएगी ये, करेक्ट। ये क्या बनती है, जीपी बनती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो आपने किया होगा, क्या होता है इसका सम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है फॉर्मूला ए आर रेज पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये सम होता है इन टर्म्स का। ठीक है, यहां 1 माइनस आर होगा तो यहां 1 माइनस आर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो आर क्या है, कॉमन रेशियो आई स्क्वायर अपॉन आई आई है, आई क्यूब अपॉन आई स्क्वायर आई है। ठीक है, बार बार आई मिलेगा आपको, फर्स्ट टर्म क्या है आई, तो आई बाहर मिल जाएगा। ओके, आर रेज टू पावर एन कितने टर्म से हमारे पास में 13, तो आई रेज टू पावर 13
माइनस वन अपॉन आई माइनस वन। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आप तो होगा वन प्लस आई, ठीक है, इंटू आई, और आई रेज पावर 13 है, इसको आप ब्रेकअप कर दो, आई रेज पावर 1 इंटू आई रेज टू पावर 12 माने 2 इंटू 6 और माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस आई इंटू आई। अब देखो आई रेज पावर 2 इंटू 6, 6 इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू प्लस 1 होगी, तो ये क्या मिला अंदर, आई माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1, इसे कैंसिल और इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, इस तरह से ये सिंप्लीफाई होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं ऑपरेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो ऑपरेशन की बात आती है, भाई ऑपरेशन क्या होता है, नंबर्स में ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो सीधी सी बात है आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही ऑपरेशन होते हैं, है ना, नंबर्स के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपके पास प्लस, अगर प्लस की बात करें हम, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में, 2 प्लस 3 आई प्लस 4 माइनस आई प्लस 6 प्लस 8 आई, है ना, इसको एडअप करना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड करना है, इट मींस ये पार्ट आपके एडअप हो जाएंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 12, उसके बाद 3 आई माइनस आई 2 आई प्लस 8, 8 प्लस 2 10 आई, ठीक है, ये फिनिश हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम माइनस की, तो माइनस भी यही है, ठीक है, तो प्लस माइनस तो सेम होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई, दो नंबर आपके पास में, जैसे 2 प्लस 3 आई और 5 माइनस आई, ये मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई है, ज्यादा नहीं है, देखो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू आई माइनस 2 आई, 3 इंटू 5 15 आई, 3 आई इंटू आई माइनस 3 आई स्क्वायर, तो देखिए 10 15 माइनस 2 13 आई, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो ये प्लस 3 हो जाएगा, तो 13 प्लस 13 आई, इस तरह से आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बात डिवाइड की आती है, डिवीजन, ओके, 2 प्लस 3 आई और डिवाइड करना है आपको 1 प्लस आई से। डिवाइड में क्या करते हैं हम, नीचे से आई को इलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है, आंसर नीचे आई की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, और उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट बताऊंगा अभी आपको मैं, जैसे जेड हमारे पास होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो जेड कॉन्जुगेट होगा, ये साइन यहां होता है ना, ये होता है ए माइनस आई बी होता है, ठीक है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको रियल नंबर मिलता है हमेशा, ठीक है, ये बात अभी बाद में बताऊंगा आपको मैं, तो यहां डिवीजन समझाने के लिए बात बीच में बतानी पड़ रही है आपको, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आई से ऊपर नीचे, 1 माइनस आई से, ठीक है, तो नीचे मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर 1 माइनस, और ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया था, 2 माइनस 2 आई प्लस 3 आई और माइनस 3 आई स्क्वायर, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर होता माइनस 1
इंटू माइनस थ्री, थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, और थ्री माइनस टू वन आई अपॉन आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन टू, तो इस तरह से ये डिवाइड होगा सिंप्लीफाई होने के बाद में, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स आपको बताने जा रहे हैं हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होती हैं अक्सर। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक टर्म आपके पास में कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट जेड बोल देते हैं, है ना, कॉन्जुगेट जेड, ओके। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू होती है जेड बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, और वैल्यू होती है इसकी ए माइनस आई बी, ओके। तुम्हें क्या करना है, केवल आई का साइन चेंज करना है, ओके। जैसे एग्जांपल माइनस टू और माइनस थ्री आई, इसका निकालना है कॉन्जुगेट मुझे, है ना। तो कॉन्जुगेट साइन ये वाला लगाऊंगा देखो ऊपर, और वैल्यू आएगी इसकी माइनस टू प्लस थ्री आई, ये होता है इस कॉन्जुगेट, ओके। एक होता है इसका अब मॉडुलस, ठीक है, जेड ये होता है इसका साइन, ठीक है। पढ़ते हैं इसको मॉडुलस जेड या जेड मॉडुलस, ठीक है। और वैल्यू होती है इसकी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे, वो मिलेगा आपका मॉडुलस जेड। अब जेड का मॉडुलस और कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। इसका मॉडुलस होगा सेम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। इसकी प्रॉपर्टी दोनों को आप मिक्स करता हूं मैं, यू नो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, उनकी मल्टीप्लाई होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। इट मीन्स जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जेड मॉडुलस होल स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ओके। उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होते हैं ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहां भी होते हैं, यहां क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस होती है, और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस, ओके, इमेजिनरी। और जो जेड की वैल्यू आपके पास ए प्लस आई बी है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ए कॉमा बी लिखते हैं हम, ठीक है, तो वैल्यू यहां कहीं मिलेगी, ठीक है, ये पी पॉइंट है ए कॉमा बी, ओके। इसको ज्वाइन करें ओरिजिन से हम, ये डिस्टेंस इस तरह से, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास ए होगी, तो ये वैल्यू बी, और ये डिस्टेंस क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है आपका मॉडुलस इसके अंदर, क्या मिलता है मॉडुलस जेड। और ये एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है इसका एम्पलीट्यूड, आपके एनसीईआरटी में ज्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन इस एंगल को बोलते हैं एम्पलीट्यूड थीटा को, ठीक है। तो टेन थीटा होता है आपका बी अपॉन ए, थीटा हुआ टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इक्वल टू थीटा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम है, वन प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस आई इक्वल एक्स प्लस आई वाई, फाइंड एक्स प्लस वाई। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ए प्लस आई बी की फॉर्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में लिखा हो आपको इस फॉर्म में करना होता है, होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे देखो ये है, इसकी वैल्यू ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इस फॉर्म में करना पड़ेगा, उसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, और उससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करो इस पार्ट को, वन प्लस आई होल स्क्वायर
क्या मिलेगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई अपॉन 2 प्लस आई, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आई 2 प्लस आई 1 से 1 कैंसिल। अब नीचे से i को इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 प्लस 2 आई कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 2 आई और 1 माइनस 2 आई, ठीक है। नीचे 1 माइनस 2 आई और 1 प्लस 2 आई फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई इसकी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ऊपर करेंगे 2i into 1 2i minus 2 to 4 4i square, ठीक है। i square क्या होता है minus 1, तो 2i plus 4 और नीचे 4 plus 1 5, ओके। तो इसको आप a plus y फॉर्म लिखेंगे, तो 4 upon 5 प्लस 4 अपॉन 5 हो गया प्लस 2 अपॉन 5 आई, इसको लिख दिया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब वैल्यू क्या मेरे पास इसकी, x प्लस आई वाई, कंपेयर करेंगे तो x क्या मिलेगा 4 अपॉन 5 और y मिलेगा 2 अपॉन 5, इसको ऐड कर दो, यूनि x प्लस वाई की वैल्यू 4 प्लस 2 6 अपॉन 5 आंसर, ठीक है। उसके बाद ये आज की लास्ट प्रॉब्लम है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इफ दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मल्टीपल चॉइस में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को आप बिल्कुल ध्यान से कर लें। अब इसको इससे कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले हम, तो क्या करेंगे इसके लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब इसको आई यहां से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस आई कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई, आई का साइन चेंज करना होगा बस, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस तरह से, ठीक है। होल पावर एन इज इक्वल टू 1, करेक्ट। This implies 1 plus i into 1 plus i क्या होगा, 1 plus i whole square, नीचे 1 minus i 1 plus i 1 minus i square n is equal to 1, ओपन करें इसको 1 plus i square plus 2i, 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो आई स्क्वायर होता है माइनस 1, ठीक है। होल पावर एन इज इक्वल टू 1, 1 आई स्क्वायर क्या होगा माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 2 आई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 होल पावर एन, 1 से 1 कैंसिल, 2 आई अपॉन 2 यानी आई रेज टू पावर एन इक्वल टू 1। तो कह रहे फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, बताइए n की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 आता है 4, ठीक है, लिख दो, क्लियर है, n इज इक्वल टू 4, तो i की वैल्यू 4, i की पावर 4 क्या होता है 1, तो n की वैल्यू 4 आएगी, तो वन तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे वैसे, आई पावर 4, आई पावर 8, आई पावर 12 सभी बताएंगे इसमें क्या, मगर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन सबसे छोटी वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, एन इज इक्वल टू 4, करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सभी बेसिक बातें सभी बताई हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड वगैरह भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसकी पोलर फॉर्म बताएंगे, वो छुटा हुआ है केवल, ठीक है।